कटिहार में मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई हैं। मामला सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत तेजा टोला रेलवे लाइन के पास का है, जहां पुल के पास से एक 4 साल की बच्ची का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की माने तो देर रात बच्ची को पुल से नीचे फेंक दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कितने साल की है? 5 साल हो गए। कब पता चला आपको? अभी हम लोग का। क्या लगता है कि मार के फेंक दिया गया है या? आप तो ऊपर वाला अनजान है, मार का फेंका है कि ऐसे कल था यहाँ पर? नहीं, मैंने आज ही देखे। इसका मतलब है रात को फेंका गया है। दूसरी घटना भी कटिहार जिले की है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की दास्तां ये तस्वीर बयां कर रही है। घटना कटिहार के मनिया रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां रेल में कटकर एक अज्ञात युवक की मौत के बाद उसे एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। मृतक के शव को रिक्शे में गठरी में बांधकर कटिहार सदर अस्पताल लाया गया। ये सर मनिया स्टेशन से पीछे हुआ है, 9 नंबर केबिन के पास। क्या कैसे? ये सर ट्रेन के बगल लाइन के बगल में हमको मरा हुआ मिला, 10 बजे रात में सूचना मिला। वहाँ गए, दोनों टंगरी उंगली कटा हुआ था, बोलता ट्रेन से कट गया। सबकी वहाँ से मेमो आया है सर, वहाँ से मेमो आया, उसके बाद हम लोग गाड़ी से गए हैं। सबकी शिनाख्त हो गई? हाँ सर। सबको कैसे लेके आए? ये सबको सर जीआरपी बुलाया गया, बड़ा बहू छोटा बहू जमींदार के साथ हम लोग 2 आदमी डोम है सुपर उठा करके 10 बजे रात में लाए, 11 बजे तब अभी पोस्टमार्टम लेके आए। अभी उसको किससे लेके आए? रिक्शा से लेके आए सर। क्यों एम्बुलेंस नहीं मिली? नहीं सर, एम्बुलेंस हम लोग को कभी कोई डेड बॉडी में नहीं मिला है। तो आप रिक्शा हम लोग को 5000 रुपया सर किना गया, रिक्शा वाला 200 रुपया भाड़ा लेता है, 1000 रुपया में 200 रुपया रिक्शा वाला देते हैं, 400 रुपया हम लोग 2 आदमी लेते हैं। मैंने पोटली वाहन कर लाए हैं? हाँ सर, जैसे हमको जो व्यवस्था मिला वही करके हम लाए, वो भी चादर भी अपना हम दिए हैं, उसके बाद मिला मैंने चादर भी आप अपना दिए? हाँ सर। मैंने रेल प्रशासन के द्वारा कुछ? रेल प्रशासन वही कुछ नहीं हम लोग को मिलता है। बिहार की सरकार जहां एक ओर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती है, वहीं ऐसी तस्वीरें जमीनी हकीकत बयां करने के लिए काफी है। सिस्टम की पोल खोलती ये तस्वीरें निश्चित ही मानवीय संवेदना को हिला कर रख देती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।